आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैड टू का प्रयोग करना। आपने कई अक्सर ये सुना होगा या आपने खुद बोला होगा, मुझे वहां रुकना पड़ा, मुझे जुर्माना देना पड़ा। तुम्हें जुर्माना क्यों देना पड़ा? मुझे सुबह उठना पड़ता था। क्या तुम्हें सुबह उठना पड़ता था? नहीं, मुझे सुबह नहीं उठना पड़ता था। तुम्हें सुबह क्यों उठना पड़ता था? तो आप अक्सर ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए आज हम इस वीडियो में सीखते हैं हैड टू का प्रयोग। इस जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ, यहाँ दो टाइप के सेंटेंस लिखे हुए हैं, मुझे वहाँ रुकना पड़ा, मुझे सुबह उठना पड़ता था। इन दोनों का मतलब सेम है। जिस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ते हैं, मैं वहाँ गया या मैं वहाँ जाता था। देखते हैं सेंटेंस की बनावट कैसे होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहाँ रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे देयर। मुझे जुर्माना देना पड़ा, आई हैड टू पे फाइन। मुझे सुबह उठना पड़ता था, आई हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे इंतजार करना पड़ता था, आई हैड टू वेट। मुझे जल्दी जाना पड़ता था, आई हैड टू गो अर्ली। अब हम देखते हैं कि इनको हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इनका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हैव टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हैड टू नहीं यूज करते हैं, डिड नॉट प्लस हैव टू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहाँ नहीं रुकना पड़ा, इसका बनेगा निगेटिव, आई डिड नॉट हैव टू स्टे देयर। मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू पे फाइन। मुझे सुबह उठना नहीं पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू वेट। मुझे जल्दी नहीं जाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू गो अर्ली। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेंटेंस की बनावट कैसे होगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें वहां रुकना पड़ा, डिड यू हैव टू स्टे देयर। क्या तुम्हें जुर्माना देना पड़ा, डिड यू हैव टू पे फाइन। क्या उसे सुबह उठना पड़ता था, डिड ही हैव टू सेट अप गेट अप इन द मॉर्निंग। डिड ही हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या तुम्हें इंतजार करना पड़ता था, डिड यू हैव टू वेट। क्या तुम्हें जल्दी जाना पड़ता था, डिड यू हैव टू गो अर्ली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि हम जब डब्ल्यू एच फैमिली यूज करते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली कोई भी वर्ड आप यूज करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम करके देखते हैं एक बार। तुम्हें वहाँ क्यों रुकना पड़ा, वाई डिड यू हैव टू स्टे देयर। तुम्हें जुर्माना क्यों देना पड़ा, वाई डिड यू हैव टू पे फाइन। तुम्हें सुबह क्यों उठना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उसे इंतजार क्यों करना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू वेट। तुम्हें जल्दी क्यों जाना पड़ता था, वाई डिड यू हैव टू गो अर्ली। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ वाई का प्रयोग किया है, लेकिन आप यहाँ पर वाई के अलावा किसी अन्य चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।